हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपने रिलीजियस फ्रीडम की, कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज, कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या, बताइए आप? 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फॉरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफ आई आर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिख कर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा तो आप हरकत में आएंगे? और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री, हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे।